हेलो क्लास टेन के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में एस पी यादव पे। मैं एस पी यादव और आज लेकर आ गया हूँ क्लास टेन का और फॉर्मूला। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फॉर्मूला कब कराइएगा, आपका इंतजार हुआ खत्म। अब इस फॉर्मूले से 15 से 20 नंबर की तैयारी आपको फिक्स हो जाएगी मैथ में। अब कहिएगा क्या सर 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा? नहीं, आप जो 2 मार्क्स का सवाल करेंगे, आप जो 1 मार्क्स का सवाल करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला से ही करेंगे, ठीक है, समझे? फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूला तो 1-2 आएगा, इसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या है ना, तो वो 1-2 फॉर्मूला आ जाएगा, समझे, 4 ऑप्शन के साथ। लेकिन जितना आप सवाल कीजिएगा सब फॉर्मूला से ही होगा। इसलिए हमने लिखा कि 15 से 20 अंक अब आपके मुट्ठी में, यानी 15 से 20 अंक की तैयारी मैथ में आपका आज होने वाला है। तो स्टार्ट किया जाए भाई साहब, बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके मैथ में कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर 15 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, सभी फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि किस प्रकार फॉर्मूला का यूज कहां होगा, किस सवाल में होगा, ठीक है। तो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए भाई साहब, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है एल्गोरिथम। क्या आता है? ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से, ठीक है। आइए, सबसे पहले आता है क्या हो? एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। अब किस फॉर्मूला का कहां प्रयोग है वो भी बताएंगे, ठीक है, भगाकर मत देखिएगा। चलिए, भाज्य को हम लोग ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, शेषफल को, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आया है क्या कि निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, जहां ये आपको ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि 0 से 12 और बराबर आर और आर से बड़ा बी। ये चीज को नोट कर लीजिए, अब ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एल्गोरिथम में 0 से 12 और बराबर आर होता है और आर से बड़ा बी होता है हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये बात समझे क्या? चलिए, तो 0 से अब कैसे कहिएगा कि साबित कैसे करें सर? 4 से 8 में भाग दीजिएगा, 4 × 8 से कितना, तो ये होता है बी, ये होता है आर, आर का मान 0 आ गया, तो कहिएगा सर आर का मान तो 0 के बराबर हो गया। सर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इससे सुनिए 0 से बड़ा। अब आइए 4 से भाग दीजिए 9 में, 4 × 8 1 बच जाएगा, आर का मान क्या आ गया 1। 0 से बड़ा है कि नहीं आर का मान? आर का मान 0 से, देखिए 0 से बड़ा हो सकता है आर, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर से हमेशा बड़ा रहेगा अभी हमेशा। चलिए ये तो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एल्गोरिथम क्लियर हुआ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए होता है बी से बड़ा, ये भी है, एक और लिख लीजिए कि ए हमेशा बी से बड़ा होता है, ठीक है, ये भी ठीक है, समझे। और 0 से बड़ा और बराबर क्या होता है आर, आर से बड़ा बी, तो ये हुआ एल्गोरिथम के लिए। किसके लिए हुआ? अब हम लोग चलते हैं मसा और लसे के लिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए, ठीक है। तो अगला जो फॉर्मूला आएगा आपका कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना में लसा। इस फॉर्मूला से आप सवाल कर सकते हैं। आपको अगर सवाल दे दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 20 है, उनमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? सॉरी, गलत बोल दिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है, लसा अगर 4 है तो मसा क्या होगा? 5, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं, इसी में मसा का देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा, अगर मौसा है तो बटा में क्या कर देना है? लसा। क्या कर देना है मेरे भाई? लसा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर लसा बराबर पूछे, अगला लेते हैं इसी में तीसरा फॉर्मूला,
अगर लासा पूछे, क्या पूछे? लासा, तो दोनों दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मासा। अब कहिएगा सर लीक के नहीं ना, लीक के अगर लाते तो ऑफलाइन वाली फील नहीं आती। आप लोगों को लगना चाहिए कि जब हम ऑफलाइन में सर के सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये चीज समझे, ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन समझिए। अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 100 है, अगर लसा अगर 20 है तो मौसा क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? कितना? 5। कोई दिक्कत आ गया दिमाग में? अब अगर कहा कि भाई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब छोड़ दीजिए, कहा कि दो संख्याओं का लसा इतना है, मौसा इतना है, और उनमें से पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा भी सवाल हो सकता है। सवाल है ना भाई? देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि 15 से 20 अंक आपके मुट्ठी में थे, कैसे? तो सवाल नहीं आएगा आपको, ये नहीं पूछेगा कि भाई दोनों से लसा बराबर क्या होगा, ये सूत्र नहीं देगा आपको, सवाल देगा और उस सवाल में फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, समझे? चलिए, तो पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे? पहली संख्या बराबर मसा गुना में लसा बटा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। सवाल रहता है ना, रहता है कि यदि मसा 4 है, लसा 20 है, ठीक है, और पहली संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, निकालेंगे आप, ठीक है? आइए, अगर आप दूसरी संख्या का फॉर्मूला लेते हैं, दूसरी संख्या का क्या होगा? मसा गुना में लसा बटा में पहली संख्या। हम पहली बोले थे कि कहां किसका यूज होगा बताते चलेंगे, ठीक है? अब ये चीज हो गया, मसा लसा के लिए क्लियर हो गया, मसा लसा के लिए ऐसा फॉर्मूला आता है, पूछेगा ना भाई, तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब किसके लिए चला जाए? सात दशांक के लिए, इसमें लिख दिया जाए 6 नंबर करके। देखिए, शांत होने के लिए शर्त क्या होता है, पहले पी परिमेय के रूप में लिखेंगे, कोई भी संख्या रहेगा तो परिमेय के रूप में, पी बना के रूप में, पी का मान तो आपका पी रह जाता है, लेकिन क्यू का मान 2n × 5 के पावर एम हो जाता है, ठीक है? 2 का घात n और 5 का घात m। आगे बढ़ा जाए तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, वास्तविक संख्या का, किसका? अब परिमेय और परिमेय का कोई सूत्र नहीं है कि क्या, चलिए बढ़ा जाए आगे, अगला करें वास्तविक संख्या। आइए, अब किसका है? बहुपद। किसका है? बहुपद। बहुपद में आता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रैखिक बहुपद से, क्या वो फॉर्मूला होगा जिसमें हो 6 हो गया था। आइए 7 से शुरू करते हैं, 7 नंबर में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पहले लिखते हैं, व्यापक रूप, ध्यान दीजिए, क्या होता है? ax + b, क्या होता है? ax + 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए रैखिक बहुपद शून्य को भी संख्या, रैखिक बहुपद के शून्य को कि की पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कितना होगा? 1। आइए भाई साहब अगला देखते हैं, 9 नंबर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है? आइए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, 10 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, कौन कौन? 1 अल्फा और दूसरा होगा आपका बीटा। इसमें फॉर्मूला होता है भाई, याद रखेंगे, ठीक है? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। आइए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मालूम है क्या आप लोगों को?
अल्फा जब द्विघात में मतलब शून्य क्या था, अल्फा और बीटा था, तो योग मतलब जोड़, तो अल्फा जोड़ बीटा, फॉर्मूला इसका होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। और दिक्कत कहेगा सर बी और ए, कहेगा सर सवाल कैसे आएगा, हम कहेंगे यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर दू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन नौ के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो शून्य होगा योग फल निकाले, चार अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, तो एबीसी कहां से मानिएगा, यहां से एक्स स्क्वायर गुणांक ए होगा, एक्स गुणांक बी होगा, अचर पद सी होगा, रख दीजिएगा आ जाएगा। ये अगला सवाल, अगला प्रश्न ग्यारह हो गया, बारह नंबर, बारह नंबर करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यको का क्या करेंगे, गुणन फल, क्या करेंगे गुणन फल, क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, तो हो गया शून्यको का योग फल और शून्यको का गुणन फल। अगर हम कहेंगे कि सर हमको द्विघात बहुपद के शून्यको का योग फल मालूम है, सर गुणन फल ही मालूम है, सर द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आइए, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू, कोई दिक्कत, इस पर सवाल जरूर आएंगे, ठीक है, इस वर्ष भी आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, किस बारे में, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का बहुपद व्यापक रूप क्या हो जाएंगे मेरे भाई, एक्स क्यूब लाइए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में जीरो भी लिख सकत हो। अब सुनिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्य, त्रिघात बहुपद के शून्यको की संख्या, शून्यको की संख्या क्या होता है, तीन होता है, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और क्या सर इसमें भी शून्यको का योग फल होगा गुणन फल होगा, हाँ होगा, आइए तो चलिए भाई इसमें लेते हैं, शून्यको का योग फल क्या होता है, अल्फा जोर बीटा जोर गामा बराबर माइनस बी बटा ए, लिख लीजिएगा आप लोग त्रिघात बहुपद के शून्यको का योग फल, शून्यको का योग फल क्या लिखेगा, शून्यको का योग फल, आइए सत्रह नंबर में क्या लिखेगा, दो दो करके लेने पर शून्यको के गुणन फलों का योग फल, लिखिए दो दो करके लेने पर शून्यको के गुणन फलों का योग, दो दो करके लेने पर शून्यको के गुणन फलों का योग, ठीक है, दो दो करके लेने पर शून्यको के गुणन फलों का योग, अब दुद्दू को लेंगे अब दुद्दू गुणन फल करेंगे और फिर उसका योग, तो दू को अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, सत्रह को हो गया, अठारहवा यहां देखते हैं शून्यको का गुणन फल, शून्यको का अब सर किसका गुणन, कोई शून्य किसके शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यको का गुणन फल, सॉरी त्रिघात बहुपद के सागा अल्फा बीटा इंटू माइनस का डी बटा ए माइनस का, कोई दिक्कत, अब बताइए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अब बताइए त्रिघात बहुपद शून्य को संख्या तीन हो, अल्फा बीटा और गामा, त्रिघात बहुपद के शून्यको का योग फल अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद के दो दो करके लेने पर शून्यको के गुणन फलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, त्रिघात बहुपद के शून्यको का गुणन फल क्या होगा, माइनस डी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी माइनस डी बटा ए, आइए क्या सर त्रिघात बहुपद के शून्यको, सॉरी क्या हो गया, ये ऐड हो गया पेज ना, ऐड नहीं करना इसी में लिखना है ना, सही है, चलिए त्रिघात बहुपद के क्या शून्य का फल, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है क्या है, आइए त्रिघात बहुपद कौन लिखते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो अठारह हो गया था, आइए उन्नीस नंबर त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, किस सबको याद है, याद है सबको, नहीं एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा और माइनस प्लस या माइनस ये वो पहले माइनस है फिर प्लस है फिर ठीक है यहाँ शून्य का योग फल यहाँ दो दो करके लेने पर शून्य का गुणन फल और यहाँ शून्य का गुणन फल ठीक है याद रहना चाहिए। आइए अब देखिए अब इसमें ए को फॉर्मूला क्या बचता है बता सकते हैं क्या बोलिए ना ना एक चीज और बचता है कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन नहीं है बचता ना ये चीज आएगा कि नहीं आएगा तो द्विघात बहुपद है और नहीं है तो देखिए नहीं होने के लिए हम शर्त बताते हैं द्विघात बहुपद अगर नहीं है द्विघात बहुपद अगर नहीं है ठीक है तो उसके लिए शर्त क्या है x के घात माइनस वन नहीं आना चाहिए या x के घात माइनस टू नहीं आना चाहिए x के घात माइनस तीन नहीं आना चाहिए ये अगर माइनस में आ गया ठीक है तो इसको प्लस में करने पर नीचे जाना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा एक बटा एक्स हो गया एक बटा एक्स स्क्वायर हो गया एक बटा एक्स क्यू हो गया ये बहुपद नहीं है। रूट में अगर एक्स आ जाए बहुपद नहीं है रूट में अगर एक्स आ जाए अगर रूट में एक्स स्क्वायर आता तो बहुपद है बात समझे क्या कोई दिक्कत समझे रूट में एक्स स्क्वायर आया तो बहुपद एक्स होता है एक्स क्यू आ जाएगा तो नहीं होगा बात समझे क्या मरे जाएंगे। चलिए अगला क्या है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न तो दो तीन इससे आना ही है एकदम तय। चलिए तो सबसे पहले क्या हो गया इसमें उन्नीस होगा आइए दुर्योधन होगा आइए बीस नंबर सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो समीकरण इसको एक बोल दीजिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो इसको समीकरण दो बोल दीजिए दो गोचर है एक्स और वाई रैखिक है मतलब एक्स का घात क्या है वन है और समीकरण तो दिख ही रहा है आपको ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इससे हम लोग क्या करेंगे इसका अलग अलग रूप बनाएंगे पहला रूप क्या है देख लीजिए इसका ए वन बाटा में ए टू बराबर नहीं बी वन बाटा में अब ए वन ए टू कैसे आएगा बात समझ में आ गया यहां से समीकरण एक में ए वन बी वन सी वन समीकरण दो से ए टू बी टू और सी टू निकाल लेंगे ठीक है। चलिए अगर ऐसा है तो इसके कितने हल होंगे केवल एक हल आप लोगों को अगर याद है तो बोलते चलिए केवल एक हल होंगे और इसको हम एक और चीज नाम देते हैं अद्वितीय हल क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। अच्छा ये तो ये हो गया सर ये कौन सा समीकरण कहलाएगा तो ये कहलाएगा अविरोधी समीकरण क्या कहलाएगा अविरोधी समीकरण ठीक है। अच्छा एक और चीज कहलाएगा सर ये संगत समीकरण भी कहलाएगा क्या कहलाएगा संगत सर इसको और कुछ बोलते हैं इसके प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी क्या होंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी क्या रेखा मतलब इसमें अगर ग्राफ बनाइएगा तो इसे कटेगा ये कट जाएगा ठीक है प्रतिच्छेदी रेखाएं इसी प्रकार का एक दूसरे को लाइन को क्या करेगा कट करेगा प्रतिच्छेद करेगा। आइए 22 नंबर लिखते हैं 22 नंबर क्या है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा अगर सब बराबर है तो इसके अनेकों हल होंगे क्या होंगे अनेक हल होंगे क्या होंगे अनेक बोलिए या अनगिनत हल बोलिए। अच्छा सर ये कौन समीकरण कहलाएगा तो सुन लीजिए ये कहलाएगा संपाती समीकरण उधर नहीं हटेगा ना इधर संपाती समीकरण आश्रित समीकरण और संगत समीकरण ठीक है कोई दिक्कत
बोलिए A1 / A2 बराबर B1 / B2 बराबर C1 / C2 के कितने हल होंगे? अनेक हल या अनगिनत हल। कौन समीकरण कहलाएगा? संपाती समीकरण या आश्रित समीकरण या संगत समीकरण। सर इसके कौन सी रेखाएं होंगी? इसके संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगे? संपाती रेखाएं होंगी। क्या संपाती रेखा क्या होता है सर? तो एक लाइन है और इसी लाइन पे दूसरा लाइन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? मतलब वही उसी लाइन पर दूसरा लाइन पर चला गया तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। बढ़े जाएंगे, आइए तीसरा भी हम लोग लिखे लेते हैं। तीसरा क्या है भाई साहब? तीसरा क्या नंबर हो जाएगा? वो 23 नंबर। A1 / A2 बराबर है B1 / B2 बराबर नहीं है C1 / A1 / A2 बराबर B1 / B2 बराबर C1 / C2 बराबर नहीं C1 / C2। इसके कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। इसको कहें कहेंगे विरोधी समीकरण। क्या कहेंगे? विरोधी। इसके रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी। अच्छा सर इसको एक और चीज कहते हैं, असंगत समीकरण। इसको असंगत समीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होंगी? इस प्रकार समाधि और उसके बाद क्या बोले हैं? संपाती रेखाएं कैसे होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस प्रकार और समांतर रेखाएं किरण दे रहे हैं। समांतर रेखाएं ना बोले हैं, रेखा इस प्रकार होता है, किरण नहीं। ठीक है, हाँ भाई ये हो गया क्लियर। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला लिख दे क्या? क्या किसका फॉर्मूला? वज्रगुण विधि का फॉर्मूला याद है? किस सबको याद है? चलिए बोलिए तो किसी को याद नहीं। अरे वकले देखो हम ठीक से बता देते हैं। बताते फिर से A1x + B1y + C1 = 0 A2x + B2y + C2 = 0 अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, x लिखना है। क्या लिखना है? x लिखना है। बटा में आइए, x बराबर को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। B1 C2 - C1 B2 बराबर। और y बटा y बराबर को फेर दीजिए, y बराबर को हटाइए इसको, y बराबर को y के बाद क्या है? C1 को मिलाइए किससे? A2 से। C1 A2 आइए A1 C2 C1 A2 और S C1 A2 A1 C2 A1 C2 अंत में एक बार लिख दिया अचर पद। अब अचर पद को बंद कर दीजिए, अचर पद को घेर दीजिए इसको। इसके आगे कौन है? इसके आगे यह ई वाला A1 B2 -B1 A2 B1 A2 ठीक है। कोई दिक्कत? सब में 12 12 12 12 याद रखिएगा। पहला में BC BC CB CA AC और AB BA याद कर लीजिएगा। ये वज्रगुणन विधि का निकालने का फॉर्मूला है, वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल करने का फॉर्मूला। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर कौन फॉर्मूला? 24 नंबर हो गया ये फॉर्मूला नंबर 24। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग करेंगे 25 द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद है, AX² + BX + C = 0। पहले व्यापक रूप लिख लिया जाए, कभी कभी व्यापक रूप कूदता है भाई साहब, पूछता ना हो AX² + BX + C = 0 ये हो गया व्यापक रूप इसका। अब इसके लिए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके विभेचक के बारे में, किस बारे में? अब इसके मूलों की प्रकृति, फिर इसके मूल के बारे में जानेंगे। ठीक है चलिए आइए। तो हम लोग जानते हैं पहले विवेचक, क्या जानते हैं? विवेचक जिसको अच्छा विविक्त कर भी ना कहते हैं, विविक्त कर भी कहते हैं।
कल इसी शब्द पर ना भाई मोबाइल कट गया था का है कड़वा लग रहा है वेक्टर का फॉर्मूला होता है इसको डी से शुरू कर देते से डी से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है यहां से बी लीजिएगा ए बी सी यहां से लीजिएगा ठीक है आइए इसके मूल निकालने का फॉर्मूला मालूम है क्या मूल निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बताबे टू ए अब सुन सर इसके मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ बताइए ना अब इस पेज पर हो जाएगा आइए उसी अगला पेज पर चलते हैं अरे पेज और आइए इसके मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ बताते हैं मूलों की प्रकृति पूछता है मेरे भाई एक नंबर में दो नंबर में आता है कहा कि तीन एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस छह के मूलों की प्रकृति बताए पहले विवेचन निकालिए देखिए विवेचन निकालने के बाद मतलब अरे सौरभ नमस्कार और सब कहाँ थे सर कल गए थे अयोध्या मंदिर नहीं गए थे नहीं अच्छा ठीक बजरंग दल में गए थे रही उसी बहुत बढ़िया है लेकिन कोचिंग के बाद जाना चाहिए था इस भी तो गया था कोचिंग करके गया गया था ना आप बताओ तुम कोचिंग नहीं आया उसमें चला गया हम ये नहीं करे तुम नहीं जाता जाता इस भी तो गया था कि गया था ना सब गया था क्लास करने के बाद सब गया था क्या चलिए मूलों की प्रकृति देखिए भाई साहब देखे जान लीजिए तो सबसे पलकनर गुणा हो सताइस हो गया यहाँ ढाई सौ चलिए अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से के बराबर अगर जीरो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर अगर जीरो है तो मूल वास्तविक और समान होंगे या वास्तविक और बराबर कहिए ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न क्या और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा सर जीरो से छोटा क्या होता है माइनस में होता है माइनस में कुछ आ गया जीरो छोटा हो गया अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम बनाते हैं विवेचक निकालते हैं और माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं या अवास्तविक आइए पहले कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और समान लिखिए या बराबर ठीक है चलिए और 29 नंबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा हो जीरो से तो वास्तविक और असमान वास्तविक है और असमान आसमान नहीं असमान या बोल सकते हैं वास्तविक और भिन्न वास्तविक और तीसरा में आता है तीस नंबर में आइए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो जीरो से छोटा का मतलब ऋणात्मक कोई भी संख्या ऋणात्मक न हो भी पूछ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मान अगर ऋणात्मक है तब क्या हो तो वास्तविक नहीं वास्तविक नहीं या अवास्तविक अवास्तविक ठीक है कोई दिक्कत अच्छा एक मिनट एक मिनट यदि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक और बराबर है तो मूल क्या होंगे सुनो यदि मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण में यदि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो तो मूल बराबर माइनस बी बटा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा ये कि अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है या वास्तविक और समान है तो बताइए कि मूल क्या होंगे तो माइनस बी बटा कैसे होगा तो मूल का गुणा होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट बटा टू ए तो ये तो भाई जीरो हो जाएगा तो माइनस बी बटा टू ए ना बचेगा हो ना समझ में आई कैसे हो गई 31 32 में या समांतर सदी में
समानता शरीर में ज्यादा नहीं है, बहुत कम फॉर्मूला है। सबसे पहले समान कहने वाला होगा 32 33 बोलते सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं। लिखते हैं श्रेणी क्या होता है, ए ए पहला तो ए होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार ए प्लस फोर डी, फाइव डी करके लिए। अब सुनिए ए क्या होता है, इसमें समांतर सेट में ए को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, जो डी होता है उसको बोलते हैं समांतर या पदांतर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए बताएं ये सब क्या होता है, बताइए ए जो होता है इसमें वो होता है पदों की संख्या, क्या होता है पदों की संख्या, क्या वो पद है, और जो ए एन होता है वो होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद होता है। कोई दिक्कत इसमें, इसी को परेशानी, आप सुनिए अगर हम दे दे एक चार सात दस तेरह डॉट डॉट डॉट, इसमें पूछेंगे प्रथम पद कौन है, क्या बोलिएगा, ये हो गया आपका प्रथम पद, क्या हो गया प्रथम पद, इसका सार्व अंतर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सार्व असार्व अंतर इसे लिख दीजिए, सार्व अंतर निकालने के लिए इसको इसको मान लीजिए ए वन, इसको ए टू, इसको ए थ्री, इसको ए फोर, तो भाई सार्व अंतर के लिए ए टू माइनस ए वन बराबर होना चाहिए ए थ्री माइनस ए टू से, बराबर होना चाहिए ए फोर माइनस ए थ्री से, ठीक है। दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, बराबर होना चाहिए तब ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। हाँ अब ये सर्वांतर क्या, ए सर इसका फॉर्मूला बताना दीजिए, ए बराबर क्या होता है 32 33 एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सर एक और फॉर्मूला होता है पदों का योग वाला, उसको एस एन कहते हैं, यही में लिख देगी नहीं अगला पेज पे चलते क्या, हाँ ये वो पेज है याद रखिएगा, ठीक है बुझा रहा है वो टू एन माइनस वन इंटू में डी, चलिए कोई दिक्कत, 35-34 फॉर्मूला अभी तक हो चुके हैं, ठीक है इसमें और कुछ इतना ही था हो गया। चलिए भाई चढ़ के जाके अगला क्या है, अगला है त्रिभुज, तो त्रिभुज में सर कौन फॉर्मूला आएगा, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज से फॉर्मूला आते हैं, ठीक है इस पर सवाल आते हैं। अब कहिएगा सर एगो और आता है कौन, थेल्स पर में से, अच्छा सर एगो और आता है पाइथागोरस पर में, अच्छा चलिए आइए कर लेते हैं 35 में। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, किस बारे में, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बता देते हैं, आइए ए बी सी मान लीजिए, ये बी क्या है, बी 90 डिग्री, अब सुनिए ध्यान दीजिए 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार को लिख दीजिए, 90 के सामने वाला भुजा का जो वर्ग होता है, इसमें अभी हम लंब कर्म नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में नहीं गए, सुनिए 90 के सामने वाला भुजा का स्क्वायर, ठीक है ये जो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, नहीं समझे एक बार और सुन लीजिए, कान खोलिए खोलिए, चलिए 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग, इस भुजा का मतलब एसी का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाएं, मतलब अन्य दो भुजाएं एबी और बीसी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो सर आपने तो पाइथागोरस पर में कह दिया, हाँ हम वही कह दिए, अब सुनिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए आधार है, ये मान लीजिए ऊंचाई बोल दीजिए या शीर्ष लंब बोल दीजिए, तो एक बाटा दू गुने आधार गुने ऊंचाई, बुझा रहा है उसमें क्या, उसमें बुझा रहा है, ये हो गया। अब ई तक क्लियर हो गया सर, इसका एक और फॉर्मूला लिख दीजिए क्या,
आधार बराबर तो दू गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, सर ऊंचाई बराबर तो दू गुने क्षेत्रफल बटा आधार। ये तो भाई बच्चा वाला आप लोग लिख सकते हैं। आइए 36 नंबर में समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे पूछता सवाल, इससे भी पूछता है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग टिल हो जाइएगा, सुनिए क्या लिखिएगा। ए है तो रूट तीन बटा चार गुणे भुजा स्क्वायर। सर समबाहु त्रिभुज में और फॉर्मूला का पूछता है सवाल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या पूछता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। सर समबाहु त्रिभुज नहीं बता दीजिएगा है क्या होता है, सो आइए बताते हैं क्या था, रूट तीन माना बटा दू गुने भुजा। सर समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, अरे यार जिसके सभी भुजाए बराबर हो, जिसकी सभी भुजाए क्या हो बराबर हो, ए बी भुजा बराबर होगा बी सी भुजा के बराबर होगा, सभी भुजा बराबर हो, सभी कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वाह वाह वाह, संपूर्ण मतलब क्या इजी में, कोई दिक्कत इसमें। सर पाइथागोरस प्रमेय और थ्योरम प्रमेय तो नहीं बता दीजिए, आइए थ्योरम प्रमेय अगला में चलते हैं कि और पाइथागोरस प्रमेय, आइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या पूछेगा, पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करे, क्या इसका पाइथागोरस प्रमेय का सवाल याद है क्या, विशेष प्रतीक साधारण प्रतिज्ञा याद है क्या, नहीं याद है, सब भूल गया होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आप लोग को याद है क्या, जरूर याद रहना चाहिए, वहां लिखना पड़ेगा, अरे तो वहां लिखा रहेगा तो कैसे पहचानिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भाई समकोण त्रिभुज तो लिखना पड़ेगा है? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, एक कोण क्या है 90 डिग्री जिसको समकोण बोलते हैं, ठीक है आइए लिख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अब सर इसको लिखने दीजिए सर एक बार, तो कर्ण बोलोगे तो किसे हो, कर्ण बोलो 37 इसी में पुरा देते हैं, 38 क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या आता है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग मतलब एसी का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा ए बी और बी सी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत क्या, सब थेल्स पर में बता दीजिए, कहां बता देते हूं जाइए थेल्स पर में, थेल्स पर में क्या होता है सर है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना, आप लोग को याद है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, अरे इन लोगों को सुनने दीजिए, जब पहले पूछेंगे तो नहीं बताइएगा, हम बोलेंगे जोर जोर उधर काम उतर जाएंगे, सर जी बुलाया कि हमारा याद है, और पीछे जाके बोलो ना बच जाएगी, आगे नहीं सुनेंगे हम, ठीक है हाँ। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है या समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो यहाँ उठा देते हैं कि हो और उधर फॉर्मूला ले देते हैं, इधर ले देते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं
अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। याद होना चाहिए तभी ना पहचानिएगा भाई, पूछेगा ना पांच ना पूछेगा, पांच मार्क्स में पूछता है कैसे सुनी, आधो नंबरियों पूछता है, एक नंबरियों पूछता है। ये फेस पर मैं के लिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज क्या है एबीसी, तो यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज के रह जाइए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के एक भुजा के समांतर एक रेखा, तो एक भुजा क्या लेते हैं बीसी, एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा की, बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच देते हैं। एक रेखा खींची जाए, हमने खींच दिया एक रेखा डी, तो अन्य दो भुजा अन्य कौन, हमने बीसी के समांतर लिया था, तो बीसी को छोड़कर अन्य दो भुजा कौन है एबी और एसी, एक ही अनुपात में, मतलब एडी बटा डीबी के अनुपात में और एई बटा बीसी के अनुपात, मतलब दो अनुपात में समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एडी बटा बराबर एई बटा, याद रहना चाहिए कब 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 कब, जब बीसी समानांतर हो किसके डी के, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 38 से 39 नंबर, 39। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है, इनको देखेगा कि यह है 4, यह 6, यह x और यह 2, तो x का मान बताइए, ठीक है। ऐसे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, पांच नंबर में प्रूफ भी किए हैं, पाइथागोरस पर में, थ्योरम में आप लोगों ने नहीं देखे हैं, जरूर आएगा इस वर्ष, लेकिन पाइथागोरस पर में भाई एसपी आता अभी जाके देखिए, मैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। आइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में शुरू किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके, बीच की दूरी से, किससे मूल बिंदु से चला, तो आइए 39 हो गया था इसमें 40, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मालूम है क्या, 0,0, वाह याद करके ले, निर्देशांक यहाँ होगा या नहीं होगा, 0,0 निर्देशित है कहाँ, निर्देश तो अपन ना है आसान पे निर्देशांक। अब तो और अखिया के ढक्कन खराब है तो फिर हम क्या करें हैं, अरे चलिए एक्स आए, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक कोई बताया क्या क्या होगा सो हैं, एक्स कॉमा जीरो कोई बताए हल्ला नहीं, वाई अक्ष का निर्देशांक कोई बताया क्या, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 0,y कोई दिक्कत, अच्छा एक मिनट अरुबो, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण बताओ भाई, y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण बताओ, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, ये चीज, अच्छा भुज कोटि बता देते हैं, x कॉमा y में जो x होता है वो होता है भुज, और भुज न होता है तो भुजा का लिखवा दिया, और y जो होता है वो होता है कोटि, x होता है भुज, इसमें x हो गया भुज और y हो गया कोटि, ठीक है, भुजा और कोटि नहीं याद करिएगा। अब ये प्रथम लिख निर्देशांक से करने सब लिखे रहते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये प्रथम पाद हो गया, या प्रथम क्या बोलते चतुर्थांश, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, ये जानवे करते हैं कि इधर बढ़ेगा तो ये प्लस है, ऊपर प्लस है, आइए नीचे, अब देखिए ये प्रथम में क्या आएगा, दोनों प्लस है घर में है, प्रथम को कौन घर रहे हैं दोनों प्लस, द्वितीय कौन कर रहे हैं, एगो माइनस एगो प्लस,
साथ पहले प्लस लिख धरे बकल बा पहले x अक्ष के निशान थे पहले x अक्ष के निशान माइनस तो प्लस आई में तो माइनस कॉमा माइनस तृतीय को माइनस से माइनस कर है अच्छा चतुर्थ को पहले प्लस तब माइनस तो मतलब हम समझ में आ गया कि अगर प्लस और प्लस रहेगा तो प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश बोलिएगा माइनस और प्लस रहेगा तो द्वितीय पद या द्वितीय चतुर्थांश दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद पहले प्लस बाद में माइनस तो चतुर्थ क्या बोलिएगा चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पद ये सब हो गया आपके लिए। अब आइए मूल बिंदु से 20 की दूरी पहले क्या नंबर हो गया हो 45 नंबर आइए हो गया 46 47 48 49 आइए 50 नंबर देखते हैं 50 की ताली लगाइए मूल बिंदु से बीच की दूरी बीच मूल बिंदु से बीच की दूरी सुनो है क्या क्या कोई दिक्कत क्या का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आइए चलिए बीच की दूरी निकालना शुरू करते हैं। इसको मान लीजिए ए जिसका ऐसा एक्स वन कौन करते हैं इसको एक्स वन कॉमा वाई वन इसको मान लीजिए बी एक्स टू कॉमा वाई टू बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होगा ए बी की बीच की दूरी 51 डाल देते हैं रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है। अब कहिएगा सर मूल बिंदु से कैसे होगा तनी सुन लीजिए मूल बिंदुओं के लिए बता देते हैं ए यहाँ मूल बिंदु रख दीजिए और बी यहाँ एक्स टू वाई मतलब इसको एक्स वाई मान लीजिए क्योंकि क्या बना है वो तो होता है ना एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस जीरो और वाई माइनस जीरो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी सर। चलिए ये हो गया आइए अब निकालते हैं विभाजन फॉर्मूला क्या निकालते हैं ये तो हो गया क्लियर बीच की दूरी क्यों फॉर्मूला ना होगा विभाजन सूत्र विभाजन उसमें विभाजन सूत्र में क्या होता है सुनिए ध्यान से उसमें जो होता है ये मान लीजिए ये लाइन है ये रेखा है ए और बी इसके निशान एक्स वन होंगे वाई वन होंगे इसके निशान एक्स टू और वाई टू होंगे कोई एक बिंदु आ जाएगा टपक जाएगा इसको इसके बीच में और उसको बंटवारा करने की कोशिश करेगा क्या करने की कोशिश करेगा मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु पी आ गया और बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है तो बताइए कि इसका निशान क्या है बता देगा कि अब यहाँ से यहाँ की दूरी पांच इकाई दस इकाई होता ना तो मान लेते हैं इधर का जो दूरी है ना वो मान लेते हैं कि एम है इधर का दूरी क्या है एन है तो एम अनुपात एन में मतलब जो है विभाजित कर रहा है तो इसका पी का निर्देशांक बताइए तो यही एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एक्स टू एक्स टू एन एक्स वन बोलेंगे एन एक्स वन एन एक्स वन बता में एम प्लस एन वाई बराबर एम वाई टू वाई टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बता में एम प्लस एन फॉर्मूला नंबर हो गया 52 52 अंकित कुमार क्या कर रहा है बुखार लगा दे बंद करो जाने यहां पे बकलेर कहीं का चलिए तो 52 नंबर में ये हो गया सर इसी में अगर अब इसी विभाजन सूत्र में एक और आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक जब इन दोनों के एकदम बीच में पी बिंदु हो उधर बराबर इधर बराबर मतलब एम बराबर हो जाएगा एन के जितना एम उतना ही एन हो जाएगा तो अगर एम के जगह पर अगर एम में लिखते हैं तो दोनों में सेम कॉमन लेंगे एम और एम दो एम हो जाएगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू हो जाएगा आइए बताते हैं ना मध्य बिंदु के अरे ये कैसे हो गया ऐड करना पड़ेगा मेरा बाप फॉर्मूला रहेगा इसमें आइए
का नंबर हो गया हो 52 53 में आइए चलिए आए हल्ला करेगी मध्य बिंदु के निर्देशांक ना कैसे होता है ये है आपका ए एक्स वन कॉमा वाई वन ये है बी एक्स टू कॉमा वाई टू अभी दोनों के एकदम बीच में पी बिंदु आ गया एक्स कॉमा वाई वही एक्स और वाई का मान निकालना है मतलब पी बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु पी है इसका निशान तो जितना एन ए था उतना ही एन ए हो गया मतलब इधर एम तो इधर एम मान लेते दोनों बराबर है तो विभाजन फॉर्मूला में लगा दीजिए इसको क्या होता है एक्स बराबर अरे सीधे याद करो एक्स इसे हटा एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू और वाई बराबर वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा टू ये हो जाएगा अब ना कई बार सर हमको बता देगी जरूरी फॉर्मूला क्या था एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन था क्या अच्छा एम के जगह पे एम एक्स टू के जगह पे एक्स टू एन के जगह पे भी एम में लिखेंगे क्योंकि दोनों दूरी बराबर हो जाएगा एकदम बीच में ना आ गया हो जितना ही था उतना ही था और उसमें सवाल आया कि दो अनुपात तीन एक अनुपात दो कुछ भी हो सकता है एम एक्स वन बटा में एम के जगह पे एम और एन के जगह पे भी दोनों में सेम निकाल लें एम कॉमन है तो एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस बटा में एम 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 से एम गया तो एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो आ गया है आइए केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं चौवन नंबर में केंद्रक के निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक ठीक है एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी निर्देशांक का होगा एक्स वन वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री इसी है आइए एक्स बराबर यो में होता है P हो जाएगा एक्स कॉमा वाई एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटा थ्री ठीक है अब अंत केंद्र के निशान से बताइए ना आया कि पेज की नहीं पेज नहीं है ऐड करना पड़ेगा ये हमें आइए चौवन के बाद अंत केंद्र का निशान अंत केंद्र का निर्देशांक त्रिभुज की तरह है ये भी ठीक है एक्स बराबर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटा में ए प्लस बी प्लस सी वाई बराबर ए वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बटा में ए प्लस बी प्लस सी सर एबीसी क्या होता है सर एबीसी क्या होता है त्रिभुज जानते हैं भाई ई ए है ये बी है ये सी है ना तो ए के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा सी के सामने वाला हो जाएगा सी बी के सामने वाला हो जाएगा स्मॉल बी अभी कहिए ए बी सी कैसे निकालेंगे अरे बकरो भाई एक निर्देशांक दे लोगा एक निर्देशांक दे लोगा एक निर्देशांक दे लोगा बीच की दूरी ए ई बीच की दूरी ए बीच निकालेगा ना रूट ऑफ प्रॉब्लम निकाल लो सर एक और फॉर्मूला होता है का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू ठीक है जी सर कोई दिक्कत समझ में आया क्या आ रहा समझ में देखिए हम चाहते तो लिख करके फटाफट यहाँ टिपते यहाँ हाँ इसे से कर देते बस हो गया याद करो इसकी सोचते रहो याद करो लेकिन वो उसमें वो फील नहीं आती जो अभी आ रहा है कि हाँ लग रहा है कि पढ़ाई हो रहा है ठीक है आप लोग भी इसी प्रकार लिखिएगा सभी फॉर्मूला को कॉपी में ठीक है लिखिएगा ना न लिखिएगा न लिखवा लिख लिया अब आइए त्रिकोणमिति क्या करना है अब त्रिकोणमिति चलिए इसका फॉर्मूला शुरू करते कहां से
त्रिभुज वचन पढ़ो लिखे ना। अरे अरे दिमाग तो लगे, अरे तू ध्यान कहाँ था रे है? आइए पहले त्रिभुज में हम बताते हैं कि इसमें लंब का धारणा है कि तो सबसे पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज बारे में। किसके बारे में भाई? समकोण त्रिभुज माने ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी के सामने वाला ये कर्ण, अगर ये ठिट्टा है तो ये लंब और ये आधार। अब इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। एच से हाइपोटेन्यूज होता है, पी से परपेंडिकुलर, बी और बी से बेस। ठीक है, चलिए तो इसमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय का। जब करते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस, एक रिलेशन होता है। क्या होगा तुम बोला दोस्तों? 57 नंबर चलेगा ना। चलिए 56 57। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी सर एच बराबर हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ बोल सकते हो। और लिखवा का लंब बराबर लिख लियो का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बराबर है आधार का स्क्वायर। आधार बराबर लिख ली हो, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप तरी सुनिए इसको दिमाग में कैसे रखेंगे, तो आप लोग बताइए तीनों भुजा में से बड़ कौन है? बड़ सबसे बड़ ही है, तो सबसे बड़ निकालने के लिए दोनों छोटका को जोड़ दीजिएगा। खाली रूट वाला याद रखिएगा, स्क्वायर याद रखिएगा। तो ये कर्ण बराबर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो सॉरी छोटका निकालने के लिए ये छोटका के निकालने के लिए तो ये बड़का में से ये छोटका घटा दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सॉरी ये छोटका निकालना होगा तो ये बड़का में से ये छोटका घटा दीजिए। आ गया दिमाग में? हाँ आइए अब त्रिकोण में तीय अनुपात निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन बराबर तीनों को याद रखना है, तीन को दिखाई दे रहा है तीन को। ठीक है आइए कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा में। अच्छा आप लोग कहिएगा सर इसको तो हम पी बटा एच याद किए कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको हम बी बटा एच याद किए कोई दिक्कत नहीं। सर इसको पी बटा बी याद किए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है लाल बटे कक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है हाँ समझे। आई आधा बटे कक्का ठीक, आई लाल बटे आधा याद रखना चाहिए कि लाल बटे कक्का। ठीक हो गया हाँ सुनो, लाल बटे कक्का आधा बटे कक्का और लाल बटे आधा। ठीक है याद रहेगा? हम लोग के समझिए हम लोग को इसी हटा देते कि बुआ पढ़ लियो लाल बटे कक्का, लाल बटे आधा बटे कक्का और लाल बटे आधा। ठीक है अब कहते थे कि अब साइन कॉस टैन तीनों को और साइन का उल्टा होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। तो ये लाल बटे कक्का हो गया तो कक्का बटे लाल हो जाएगा है, कक्का बटे लाल। अच्छा अरे देखिए लाल लिखा गया बताइए। आइए कॉस का उल्टा होता है सेक, व्युत्क्रम होता है। तो ये लाल बटे कर्ण है, कर्ण बटे लाल, कर्ण बटा पे आधार। अरे विशाल कुमार कौ छिट्टा बराबर लंब का आधार है, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब है। अभी फोन नहीं करने का भाई, ये हो गया कोई दिक्कत? बस समझ में आया। चलो अगला हम लोग करते हैं इसमें अब अपमान वाला। क्या मान ये तो हो गया, इसे निकल जाएगा इसे। अगर पूछेगा सवाल आपसे सुनिए सुनिए सुनिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 करी और कंटिन्यू उन सब के बाद ये हो गया 60 61
62 63 64 65 अभी फोन नहीं उठाने का रुकिए ये आधार बटन लंबा है आधार बटन लंबा आधार बटन है ना सुन ना सुझेगा इधर से अनुरो ना मुझे कोचिंग में आधार बटे अब सुधरा चले बड़ा जाएंगे अगर हम एक सवाल पूछेंगे कि यदि साइन थीटा बराबर चार बटा पांच तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताएगा एकदम कम समय में एकदम गलत इक्के पर का मारेंगे तो नहीं जाएगा यदि साइन थीटा बराबर चार बटा पांच तो कॉस थीटा बराबर बताओ भाई कमेंट कीजिए कमेंट तीन नहीं तीन बटा पांच कॉस थीटा होता आधार बटा कर्ण आधार तीन हो जाएगा चार पांच में रिलेशन ना मालूम है चार पांच तीन में है पूरा बकरे है एक और बताओ एक और यदि टैन थीटा बराबर आठ बटा पंद्रह यदि टैन थीटा बराबर आठ बटा पंद्रह तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा टैन थीटा बराबर आठ बटा पंद्रह तो साइन थीटा बराबर आठ बटा सत्रह एकदम सही बोल दिया और इससे दिमाग लगाइए समझे ठीक है चलिए पब्लिक आइए साए ध्यान ना दे इधर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो थीटा की थीटा बराबर हो गया अब साइन जीरो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है जीरो साइन तीस डिग्री का क्या होता है साइन जीरो का जीरो साइन तीस का एक बटा दू साइन ऐसे आप लोग लिखेगा वो जो रहता है इससे ऐसे में बच्चा कहियो नहीं याद कर पाएगा आप देखिए कैसे याद हो जाएगा इसे में ए में सब ना ए में सब अच्छा सुनो साइन पैतालीस एक बटा रूट टू साइन साठ डिग्री का फॉर्मूला रूट थ्री बटा दू साइन नब्बे डिग्री का फॉर्मूला ए अब सुनिए का करे के बाद साइन के बाद लिखे के बाद कॉस का फॉर्मूला कॉस जीरो तो जो साइन नब्बे का होता है वो कॉस जीरो का उल्टा कर दीजिए यहां कर दीजिए एक अब कॉस कितना तीस तो साइन साठ को उठा लीजिए रूट तीन बटा दू साइन पैतालीस कॉस पैतालीस साइन पैतालीस कॉस पैतालीस एक बटा रूट दू एक बटा रूट दू कॉस साठ कॉस साठ साइन तीस एक बटा दू कॉस साठ साइन तीस एक बटा दू कॉस नब्बे साइन जीरो जीरो अब आइए टैन टैन जीरो अब साइन बटा कॉस कर दीजिए तो अरे जीरो डिग्री से क्या कह रहे जीरो बटा एक तो अपरिभाषित जीरो जीरो बटा एक जीरो जीरो हो गया टैन तीस डिग्री साइन बटा कोस एक बटा दू बटा रूट तीन बटा दू तो दू से दू कर जाएगा एक बटा रूट तीन एक बटा रूट तीन तुरंत अगर मान नहीं याद हो रहा है तो तरीका अपनाना पड़ेगा नहीं याद हो रहा है तो तरीका से याद करना पड़ेगा हाँ समझे किसी को अगर शेख तीस का मान नहीं याद है दू बटा रूट तीन तो तरीका अपनाइए शेख मतलब कोस कोस तीस रूट तीन बटा दू कोस का व्युत्क्रम से तो दू बटा रूट तीन हाँ ऐसे ठीक है आइए टैन पैतालीस डिग्री साइन बटा कोस तो रूट तीन बटा रूट एक बटा रूट दू एक बटा रूट दू गया आइए टैन साठ डिग्री साइन बटा कोस करवा दू से दू रूट तीन आ जाए आइए टैन नब्बे डिग्री और एक बटा जीरो नीचे आया अपरिभाषित अपरिभाषित लिखेगा आइए अब की तो तीन हो गया अब यह तीन का व्युत्क्रम कर दीजिए हाँ साइन का कौशिक होता साइन का कौशिक जीरो का हो जाएगा जीरो का उल्टा अपरिभाषित और साइन के कौशिक तीस एक बटा दू है तो दू हो जाएगा कौशिक पैंतालीस एक बटा रूट दू है तो ये हो जाएगा रूट दू उल्टा ऊपर करेंगे कौशिक साठ डिग्री दू बटा रूट तीन अशेक तीस डिग्री याद रखिएगा कौशिक नब्बे डिग्री कौशिक एक का उल्टा तो एक के होता अब लिख दीजिए शेख का
तो सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक जीरो डिग्री का मान एक का उल्टा एक, आइए सेक तीस डिग्री का मान टू बटा रूट तीन, सेक पैतालीस डिग्री का मान रूट टू, सेक साठ डिग्री का मान टू, सेक नब्बे डिग्री का मान और परिभाषी अब कोट का कहां से लिखे आइए कन्ने ना ना भुस्काया वाला सिस्टम में ना आइए कॉट जीरो डिग्री का मान टेन जीरो का उल्टा अपरिभाषित, कॉट तीस डिग्री का मान रूट तीन, कॉट पैतालीस का एक, कॉट साठ डिग्री का मान रूट एक बटा रूट तीन होगा, कोट नब्बे डिग्री का मान जीरो होगा जीरो, टेन नब्बे का अपरिभाषित है अपरिभाषित उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा अपरिभाषित था, बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत याद रहेगा। तो तरीका से साइन जो जीरो का मान होता है वो कॉस नब्बे का होता है, साइन तीस कॉस साठ का, साइन पैतालीस कॉस पैतालीस, साइन साठ कॉस तीस, साइन नब्बे कॉस जीरो, ठीक है, साइन बड़ा कॉस कर दीजिएगा टेन का हो जाएगा, ठीक है। कितना समय हो गया दिखे इसमें, एक घंटा था, एक घंटा का हो गया, अब हो जाएगा जल्दी है। आइए अब एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या देखिए रिलेशन वाला, अरे क्या फॉर्मूला हो गया, एक एक इनने हो गया आपका पैंसठ, ये हो गया आपका छियासठ में पूरा पूरा, अरे समझ छियासठ पांच पांच को ना है तो पांच छत्तीस पैंसठ तीस पंचानवे हो गलो सड़सठ में आइए आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसमें आइए अड़सठ में नहीं यहाँ पीछे रिलेशन निकालेंगे इसका आइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है उनहत्तर में आइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है सत्तर में आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इकहत्तर में आइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बहत्तर में आइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक टेन निकालेंगे तो बराबर के बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन के माइनस वन ठीक है आइए बहत्तर हो गया तिहत्तर में आइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक चौहत्तर में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के बाद क्या है ए माइनस कॉट उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये देखिए तीन को आपको याद रखना है वो ये एक वो ये याद रख कर लीजिए और एक ही याद कर लीजिएगा बाकी इससे रिलेशन कर लीजिएगा सबसे जैसे सेक स्क्वायर निकला था माइनस टेन उधर रखे प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर बराबर का जाएगा सेक स्क्वायर प्लस वन उधर माइनस वन सेक स्क्वायर माइनस वन ठीक है आई पचहत्तर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर आके माइनस वन कोई दिक्कत इसमें किसी को परेशानी कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं चलिए अब आइए कष्ट कष्ट तो अब शुरू होगा सर क्या अगर साइन थीटा लिखा रहेगा तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर उधर ले जाइए रूट में चढ़ जाएगा ये उधर से स्क्वायर क्या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर हो सकता क्या सेक थीटा बराबर रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर हाँ हो सकता ऐसा भी सवाल आएगा करने को टेंशन ना ही लो बचवा लो ठीक है अब आइए अब चलते हैं छिहत्तर नंबर पे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा अच्छा एक चीज और टेन का उल्टा होता है कोट कॉस थीटा बटा साइन थीटा आइए अठहत्तर नंबर देखते हैं
साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर एक। 79 में आइए, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा। अरे साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है ना बे, साइन गुना, जैसे मान लीजिए दू का व्युत्क्रम क्या है, एक बटा दू, गुना करेंगे का आ जाए, साइन का व्युत्क्रम का कोसेक, साइन का पूरक का कोस, पूरक कोस। अभी साइन बराबर गुना में है कोसेक, को जाकर के भाग में कोसेक। 80 में आइए, कोसेक का निकाल लीजिए, कोसेक थीटा बराबर एक, गुना में साइन डाल के भाग में साइन, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग रिलेशन याद रखिएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। कोस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है से, क्या होता है सेक। तो अंकित कुमार, सौरभ कुमार और हमारे अमन जी और आदित्य जी, अब पीछे के वो नकट्टी सब, ठीक है। अगर अब फॉर्मूला नहीं और मालूम हुआ याद हुआ तो अब कुछ नहीं करेंगे, नाक काट काट करके घरे भेजा देंगे, सुर्ख नखा हो जाएगी, ठीक है। आइए, कॉस थीटा बराबर एक बटा, रिलेशन ध्यान दो, रटाने वाला बात ज्यादा नहीं, एक बटा कॉस थीटा, इतना ही रटो इतना याद रहे। अब आप कहा लिखेंगे टेन गुने कॉट, अगला पेज में आया भी टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एक, टेन थीटा बराबर एक बटा हो जाएगा जी सर, और कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। अच्छा ये बात, अरे पेज पेज का ऐड हो गया है, 83 हो गया इधर, यह 84 85 86, अब आइए 87 में का लिखेंगे, पूरक वाला का लिखेंगे, पूरक वाला फॉर्मूला याद है। आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 88 में आइए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 89 में आइए, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 90 में आइए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। 91 में आइए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। 92 में आइए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखिए कौन चला रहा है, कौन है सौरभ, करो जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बताइए तो साइन अगर 44 डिग्री रहे तो इसको हम इसका पूरक कैसे लिखेंगे, साइन 44 डिग्री का पूरक क्या होगा, साइन वीडियो चल रहा है ना, तुमको सीधा करते मंटुआ खड़ा हो, सुनिए देखिए दवा ध्यान दीजिए, साइन जो है देखिए, हाँ साइन का पूरक कॉस, 44 का पूरक 90 में से 44 ला दीजिए, 46 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी में ना सवाल आता है, साइन 10 डिग्री बटा में कॉस 80 डिग्री, कोनो एक को चेंज कर दीजिए, साइन 10 का हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, और नीचे में ये कॉस मान एक, ठीक है। चलिए अब वृत्त का सवाल करते हैं, ये तो नहीं है इसमें कुछ,
93 ब्रिथ। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, बैठ जाइए, अब ऐसे गलती नहीं करना, ठीक है? मैं तो व्यवस्था देखो, सवेरे सवेरे तीन को ले आया कुंदन। चले, ब्रीथ में एक ही को फॉर्मूले रहता है, कैसा फॉर्मूला सुनिए ध्यान से। पहले ब्रीथ बार में, ब्रीथ में, ब्रीथ, ये ब्रीथ है, ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा की जाती है? अनंत। ब्रीथ के बाहे किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा, बाहे किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा है? जरूर लिख लीजिएगा इसको, ब्रीथ के बाहे किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए, अच्छा एक चीज और, कहां गए? ये ब्रीथ का केंद्र हुआ, ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ पर एक को वो स्पर्श रेखा नहीं, या ब्रीथ के अंदर से ब्रीथ पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं है। ब्रीथ के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा ब्रीथ पर नहीं खींची जा सकती, ब्रीथ के बाहर किसी एक बिंदु पर से ब्रीथ पर दो स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। ये ब्रीथ के जो परिधि है, परिधि पर से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ब्रीथ के बाहर किसी बिंदु, एक बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श जैसे माने जाए ए है, आई क्या है, बी है, तो जो पी ए होगा ना वही पी बी होगा, दोनों की लंबाई बराबर। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर वृत्त के किसी एक बिंदु से जो पी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी स्पर्श रेखा जो है पी बी की लंबाई कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसमें क्या पूछता है सुनिए ध्यान से, सवार इसमें कैसा आता है? कहता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक रेखा बाहे बिंदु किसी किसी बिंदु बाहे जो बिंदु किसी बिंदु जो पी पर खींचा गया है, और पी पर से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या खींचा गया है? स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है? तो इसकी भी लंबाई दे देगा, इसकी भी लंबाई दे देगा, तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। ये वृत्त की त्रिज्या ओ हो गया, ये पी और ये क्यू हो गया, तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, और कहेगा वृत्त की त्रिज्या निकाले, चाहे आपको स्पर्श रेखा की लंबाई देगा, वृत्त की त्रिज्या दे देगा, कहेगा केंद्र से बाह्य बिंदु पी की दूरी ज्ञात करे, या आपको केंद्र से बाह्य बिंदु पी की दूरी दे देगा, त्रिज्या दे देगा, कहेगा वृत्त की स्पर्श रेखा ज्ञात करे, पी बिंदु से स्पर्श रेखा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, स्किप मत कीजिए भाई, देखिए समझिए इस चीज को, क्वेश्चन आएगा, आता है दो नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आता है, दो नंबर में क्वेश्चन आता है। हमने क्या बोला, 15 से 20 मास आपके मुट्ठी में, कैसे होगा मुट्ठी में? जब सवाल मालूम रहेगा तो कैसे करेगा, खाली फॉर्मूला रख लेने से हो जाएगा, उसका प्रयोग करना होगा हैं? कि अब सुनिए, खाली देख लीजिएगा कि तीर चला रहा है तो उससे तीर चला लीजिएगा, नहीं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो कैसे मतलब बताना पड़ेगा कि यही फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। कि चलो देखो, तो भाई साहब ये जो स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त पर, वहां पर जो एंगल बनता है कितना बनता है? 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है ना, तो 90 के सामने वाला जो भुजा का जो वर्ग हो जाएगा ना, बराबर होगा किसके, जो दो को भुजा बचे ना, अन्य दो भुजाएं OQ का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, ठीक है? ये 90 के सामने वाला बड़ा भुजा है, इसका स्क्वायर दोनों के वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है? कोई दिक्कत, इस पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, बना लीजिए, ठीक? आइए, वृत्त हो गया, अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आइए ज्यादा कुछ नहीं बताया वृत्त के बारे में, डाटे फॉर्मूला नहीं देखा, आइए, यह आपका वृत्त, यह वृत्त का केंद्र, यह आपका वृत्त के केंद्र से जो परिधि होती है उससे बीच की दूरी क्या है? आर। ये पूरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यास, ठीक है? और वृत्त के केंद्र से अगर गुजर रहा है कोई रेखा तो व्यास है, वृत्त के केंद्र से होकर अगर नहीं गुजर रहा है तो क्या है? क्या है बोले? ये चाप। क्या है? याद रहेगा। चलिए आइए, पहला फॉर्मूला, पहला कथ लिखे ट्रायगोनल था,
कयो था कम इधर 92 92 के बाद ही हो गया 93 93 एक और क्वेश्चन पूछे आपसे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो सकता है संख्या दो गो वृत्त की परिधि पर से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती एक वृत्त के अंदर से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा एको गो नहीं आशीते पूछेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती तो अनंत चार प्रश्न एक और चलो टकरा जाएगा चलो आइए आइए भाई साहब ये सब चीज हम जब एग्जाम देख के आइएगा ये सब कट कर करके किस वीडियो में से कहां से कितना क्वेश्चन आया ये सब पीडीएफ मेरे पास है बताएंगे यहां से ये क्वेश्चन आया यहां से ये क्वेश्चन आया ठीक है जितना हम पढ़ा रहा है सब में चैलेंज करके पढ़ा रहे हैं इसी में से आया इससे बाहर नहीं ठीक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो सबसे पहला जो 92 के बाद 93 होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए याद कर लीजिएगा और वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr अब आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2πr² अब अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि परिधि परिमाप परिमाप नहीं हुआ इसमें परिमाप होता है चतुर्भुज में 2π+2 याद रखिएगा इसको क्यों क्योंकि इस पर बहुत सवाल आता है कि अर्धवृत्त की परिधि 36 सेमी है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए अर्धवृत्त की परिधि पूछेगा क्षेत्रफल देगा कह रहा है अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए समझे ऐसा क्वेश्चन आता है अर्धवृत्त का फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में आया है कई बार ठीक है 97 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश 1/4πr² 98 वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² कितना होता 360 डिग्री अब आइए चाप की लंबाई चाप की लंबाई पाया चिट्टा बट्टा 180 डिग्री याद कर लीजिएगा 100 वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड है ना वृत्त खंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्याखंड तब क्या कीजिएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड के क्षेत्र घटा दीजिएगा ये हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर दीर्घ वृत्त खंड पूछे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये कर दीजिएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा ठीक ना समझ में आया बात लघु त्रिज्याखंड है दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब क्या त्रिज्याखंड नहीं पढ़ा इससे पहले ये होता है त्रिज्याखंड तो ये लघु त्रिज्याखंड हो गया इसका हो गया आपका एक कर निकालने के लिए कर क्या कीजिएगा पूरा वृत्त में से कर घटेगा यही दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ई भाग घटा दीजिएगा भाग क्या है लघु त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्याखंड ठीक है तो दीर्घ त्रिज्याखंड में क्या होगा वृत्त का क्षेत्र माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चलिए वृत्त में रहना पड़ा फॉर्मूला बचाओ तो क्यों हटा दिए ना आइए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसमें कहां से शुरू करें वर्ग से किया से घन से वर्ग से आइए सबसे पहले वर्ग से शुरू करते हैं फॉर्मूला क्या हो गया शतक लग गया था शतक लग गया आइए 101 वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले वर्ग का जान लेते हैं अच्छा भुजा स्क्वायर रुक जाइए वर्ग का पहले आकृति देख लेते हैं वर्ग जिसकी सभी भुजाएं ये सभी भुजाएं ए बी सी डी सभी भुजाएं क्या है इसके बराबर है और सभी कोण कितना डिग्री के 90 डिग्री के 102 नंबर
वर का परिमाप, वर का परिमाप चार गुने भुजा। 103 नंबर, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का रूट दो गुने भुजा। जरूर याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें सवाल में आता है, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में भाई, कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16 रूट दो सेंटीमीटर है तो वर्ग का मतलब क्या निकाले, भुजा निकाले, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, चाहे वर्ग का क्या निकाले, परिमाप निकाले। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहता है, ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इन्हें इतना आसान दसवां में देगा, लेवल अपन छोड़ देगा थोड़ी ना, है वो सवाल देगा इस पर। चलिए आइए अब 104 नंबर में आइए, आयत में, किसमें आयत, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर ए बी सी डी, आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर, और सभी को 90 डिग्री विकर्ण भी बराबर। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। आयत की परिमिति या आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या आ जाएगा, 2 × n + b। आइए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या आ जाएगा, √(n²) याद रहेगा। अब आइए 107 नंबर में घन में आते हैं, इसमें घन देखिए कैसा होता है, ये घन हो गया, घन वे भुजा, सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × 6 × भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 × भुजा। यो भी आइए, यो पर क्वेश्चन पूछता है। अब आइए घनाभ में चलते हैं, इसमें घनाभ में घनाभ का आयतन, घनाभ में तीन चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये हो गया घनाभ, घनाभ की लंबाई बना देते हैं, बहुत खोखी होता है, कोरोना का धलिया, दूसरा कोरोना का धलिया, ये आपका हो गया घनाभ, ये क्या है L, ये क्या है B, अरे ये H होता है, ये होता है B। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ये क्या नंबर था, 110 नंबर है, 111 घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L × b + b × h + h × l। ठीक है, आइए यहाँ गुना का नाम ले लिए, अगला 112 है, इधर आओ, भाग रहा है 112 निंदा रहा है, घनाभ का रुक जाओ, जिसे पूछो उधर वही रुको अभी, घनाभ का भी कर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कह रहे आंटी बोला घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बढ़ जा √(l²+b²+), आइए 113 में चलते हैं हम लोग, सबसे पहले किसमें करे बेलन में, सबसे पहले चलते हैं बेलन, ये है बेलन, बेलन का ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो जाता है आपका ऊंचाई
ये भी त्रिज्या होता है पूरा, ये व्यास होता है पूरा, ये भी ऊंचाई है ऊंचाई, ठीक है, ये पूरा हो जाता है व्यास। चलिए कोई दिक्कत, आइए तो निकालते हैं हम लोग बेलन का सबसे पहले आयतन, याद कर लीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बैठ जाइए 114 बेलन का पृष्ठ क्षेत्र बोलिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्र बोलिए 2πRh। आई 115 बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ 2πR×r+h बेलन का हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, शंकु है गोला का, शंकु का ये गौर पढ़ना हो सकता नहीं है, अब पढ़ने नहीं, आइए निकालते हैं शंकु, शंकु के लिए शंकु का आयतन कितना है नंबर इधर 115 है, अब 116 शंकु बनाया जाए, शंकु जब इसमें है ये है तो हाथे कला बनाया जाए, ये शंकु है का है एक करता हो जाए त्रिज्या, इका हो जाए ऊंचाई, इका हो जाए त्रिज्या ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, इसको त्रिया ऊंचाई क्या बोलते हैं त्रिया ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, दिख रहा है क्या, इधर ध्यान दो, पूछेंगे तो मतलब बोलेगा नहीं, 1/3πr² शंकु का हो गया आयतन, क्या हो गया आयतन। अब आइए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, आप सुनिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या क्या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोलिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल, इसको ये बोलते हैं पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर एल, कोई दिक्कत नहीं, एगो वृत्त हो जाता है इसमें अंदर संपूर्ण में, एगो पाई आर वृत्त शंकु का परिच्छेद पर निकाल दे कुल के लिए, अब ई हो गया क्लियर, अब सुनिए कहिएगा सर क्या इसमें तीनों हमेशा दे रहेगा एच आर और एल, नहीं कभी एच आर देगा तो एल नहीं देगा, कभी एल आर देगा तो एच नहीं देगा, तो तनी सुन लीजिए इसको तनी गौर से देखेगा, इसको कौन त्रिभुज हो गया, कौन त्रिभुज नहीं हो रहा है, तो इसके सामने वाला का हो जाए कर्ण है, तो एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या सर एल बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्या एच बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर बड़का एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या आर बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है, हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे अभी गोला अर्धगोला बाकी है भाग रहा, आइए का नंबर हो गया, हो 118 के बाद 119 120 121 122 122 नंबर, अब तन के फॉर्मूले बच गया है 10 मिनट और लगेगा, आइए पहले गोला ले लेते हैं और गोलो ले लेते हैं, अभी ये अर्धगोला है, आधा गोला है, तो इसका देख लेते हैं, ये आपका होता है इसका त्रिज्या, क्या होता है इसमें भी खाली त्रिज्या ही होता है अर्धगोला में भी, अरे भाई
अभी फोन नहीं उठाते हैं हम अभी। आइए, गोला का आयतन, गोला का क्या था, चार बटा तीन पाई आर। आइए 27 में गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ, बच्चा कंफ्यूज होता है पृष्ठ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में और संपूर्ण में। तो कुल, संपूर्ण और पूर्ण एक ही होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है। आइए, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, चार पाई आर स्क्वायर 124। जब हम वीडियो नहीं बनाते थे फोन उतना नहीं आता, आज जब बनाना शुरू करते कम से कम 20 को फोन आ जाता है। 20 हो, बताइए टाइम मानो इतने बजे सारी वीडियो बनाते हैं, कैमरे से पूरा लड़का डिस्टर्ब करता है। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल कुल बोलिए, संपूर्ण बोलिए, कुल बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। आइए और गोला में 125 नंबर में, अर्ध गोला, अच्छा खोखला वाला, अरे वो खोखला बताया था, अर्ध गोला का आयतन, खोखला को पुत्र करना है 115 ना, बरकार क्यों माइनस छुटकार क्यों कर देना, बरकार क्यों माइनस छुटकार, ठीक है, बरकार स्क्वायर माइनस छुटकार स्क्वायर कर देना। चलिए आता एक बटा दो बटा तीन पाई आर क्यू, ध्यान भटका दिया है 26। अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वो ये क्वेश्चन है परेशानी, अर्ध गोला का, अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए। चलिए सांख्यिकी बारंबारता, तो सबसे पहले लिखते हैं माध्य के लिए, कितना हो गया, हो 127 आए। अच्छा इसके बाद देखो प्रायिकता ही है, तो देखिए बारंबारता में आंकड़ा जो होता है दो तरीके से होता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा, एक अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत के लिख लेते हैं, फिर वर्गीकृत के लिखेंगे कि आइए, तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए अवर्गीकृत आंकड़ा अगर रहेगा, ठीक है, सुनो, तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला, अरे अवर्गीकृत मतलब क्या, 2 4 5 7 8 10 का मतलब माध्य निकालिए। इस पर कह रहा है विपिन कुमार, अरे ध्यान बात इधर दो, संख्याओं का कुल संख्याओं का योगफल, कुल आंकड़ों का योग, या कुल आंकड़ों का योगफल, कुल आंकड़ों का योगफल बटा में कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है, ये हो गया। अगर वर्गीकृत है तब, वर्गीकृत अगर आंकड़ा है तब, जैसे 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 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला तीन गो होता है, तीन गो विधि, एगो कौन सा विधि, प्रत्यक्ष रीति, एगो पद विचलन, एगो कल्पित माध्य, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये प्रत्यक्ष रीति विधि का, सिग्मा एफ एक्स बटा एन या सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक होता है बारंबारता। 130 के लिए 130 नंबर, माध्य बराबर कौन माध्य बोलना है, ये प्रत्यक्ष रीति हो गया, प्रत्यक्ष रीति विधि, आती है कल्पित माध्य, यहाँ पे ऊपर लिखे
इधर लिखना दीजिए, चश्मा लगा के देखिएगा। 129 के बाद 130 कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। इसको सुनो सुनो, अगर ये माध्य बराबर जो इसमें एक और चीज बढ़ जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में वही एन या सिग्मा एफ, ठीक है। एक और था पद विचलन विधि, भारतीय भवन में पद विचलन है, एनसीईआरटी में पग पग विचलन है, पद विचलन विधि। इसमें एक और चीज बढ़ जाता है, मतलब आई डैश, इसमें आई से, तो उसमें हम आई से पहले डी डैश निकालने के लिए, डी डैश निकालने के लिए आई से भाग देते हैं, तो नीचे फॉर्मूला में आई से गुना करना पड़ेगा। इसमें बस यही चीज है, माध्य बराबर का हो जाए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में एम गुना में आई, आई होता है वर्ग अंतराल डिस्टेंस। ये हो गया आपका माध्य के बारे में, किसके बारे में, कोई दिक्कत, माध्य करते हैं हम, माध्य का हर जगह माध्य के लिए, माध्य के लिए सबसे पहले अगर अवर्गीकृत आंकड़ा होता, अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो उच्च रही करते हैं, इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, क्या करते हैं, अब बढ़ते क्रम में करने हो गया हो 131, 132 में देखिए, अगर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एन प्लस वन बटा टू ए पद, ये होता है 132 में। अगर 133 में अगर सम संख्या हो, क्या हो, अब क्या सर, क्या सम संख्या, जैसे 2, 4, 5, 8, 10 लिख जाएगा ना, और उस संख्या आंकड़ा अगर 6 को होगा तो 6 को सम संख्या, आंकड़ा अगर 20 को होगा तो सम संख्या, आंकड़ा 7 को होगा तो क्या होगा, विषम संख्या, तो अगर 7 को होगा तो बढ़ते क्रम में सजा को ही फॉर्मूला लगाइएगा। अगर 8 को आंकड़ा दिया हुआ है, 5, 9, 3, 12, 8, 16 दिया हुआ, 8 को दिया हुआ तो सम संख्या, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा, माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन प्लस एन बटा टू ए पद प्लस में एन बटा टू प्लस वन वे पद बटा में दू। कहेगा सर हम लोगों के गुरु जी पढ़ाए थे कि एन बटा टू वे पद एवं एन बटा टू प्लस वन वे पद का माध्य, अरे भाई तो दू को पद का माध्य तो दोनों को जोड़ बटा में दू ना प्रभाव, दोनों के जोड़ के बटा में दू कर दिए, आसान है। आइए अगर वर्गीकृत आंकड़ा हो तो वर्गीकृत आंकड़ा होगा तो माध्यक बराबर फॉर्मूला एल प्लस एन बटा टू माइनस बटा एन बटा चक्का आई, ठीक है। एन तो होता कुल बारंबारता का योग, जल्द करते हैं, बड़का होता है संचय बारंबारता, छोटका होता है बारंबारता, ठीक है, और आई होता है वर्ग अंतराल के बीच का डिस्टेंस। जैसे 0 से 10 है तो 10 का अंतर हो गया, 0 से 20 है तो 20 का अंतर हो गया। अब आइए बहुलक, नंबरिंग 133 के बाद 134, 135 में आइए बहुलक, 135 में बहुलक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेते हैं, बहुलक में जो सर्वाधिक बारंबारता होता है ना वही बहुलक वर्ग होता है, क्या होता है, बहुलक वर्ग, ठीक है। और उसमें मानते हैं एल बराबर क्या होता है, निम्न बहुलक वर्ग, ठीक है, समझे सर, निम्न वर्ग अंतराल जो होता है सो होता है क्या आपका एल होता है, ठीक है, और जो एफ माइनस वन एफ प्लस वन, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला एफ माइनस वन, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता एफ वन, ठीक है, आय के जन्म करते हैं वर्ग अंतराल, तो एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन बटा में टू एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुना में ये फॉर्मूला हो गया 135 बहुलक। आइए
प्रायिकता और अंतिम है आज का, ठीक है। प्रायिकता में क्या करते हैं तनि सुन लीजिए, प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम दो चार को पहले फॉर्मूला ले देते हैं इसके बारे में, ठीक है, और तब सिक्का के बारे में और पासा के बारे में और ताश के बारे में हम लोग लिख देंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसमें प्रायिकता क्या होता है भाई, ये एक खेल है, ये प्रायिकता जो है एक प्रकार का क्या है, सिक्का उछालेंगे, लूडो छक्का उछालेंगे, ठीक है, गेंद उंद रख करके निशान निकालेंगे, तो वही चीज। चलिए, तो सबसे पहले जो प्रायिकता का जो मान होता है, सबसे पहले प्रायिकता का मान ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, प्रायिकता का मान जीरो से एक के बीच में होता है, 136 वाला एक लिख, प्रायिकता का मान जीरो से 0 से 1 के बीच में, प्रायिकता का मान जीरो से बोलो जीरो से 1 के बीच में, एक से बड़ा नहीं होता है, एक से छोटा नहीं। अच्छा ये बताइए कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, एक, कुल घटनाओं की प्रायिकता एक, लिख देते हैं कहां गया 137, संभव घटना की जो प्रायिकता होता है वो आपका एक होता है, कुल घटना की प्रायिकता, कुल घटनाओं की प्रायिकता मतलब प्रायिकताओं का योग सभी का एक होगा, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, याद रखिएगा ये सब आप दिल्ली में पूछेगा कि प्रायिकता। अब सुनिए सुनिए ध्यान दे दर, ये तो हो गया इसका मतलब जो ना बेसिक बात हो गई, सो अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब किसी घटना के होने के लिए क्या बोलते हैं पी, किसी घटना की होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की जो प्रायिकता है वो क्या होता है पी, और किसी घटना के, किसी घटना के नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगा पी डैश। तो सर आपने बोला कुल घटनाओं की प्रायिकता, कुल कर देंगे क्या पीई, आप प्लस में पीई डैश बराबर में ए, किसी घटना के होने भी पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा ही है, किसी घटना के होने के किसी घटना के नहीं। अब कहेंगे कि मंटुआ जो है का ससुराल जाने का चांस है 0.563%, मंटुआ के ससुराल जाने का जो चांस है, जाने का चांस 0.563% मतलब ये है, तो ससुराल नहीं जाने का इसका बताइए प्रायिकता, तो इसका हो जाएगा घटा देंगे तो 7 जीरो में तो 3 4 ये 0.437, ठीक है। तो मंटुआ ससुराल बहुत कम जाता है ना, की बढ़ा दीजिए इसको, चलो चलो आप सिक्का के बारे में निकालते हैं, क्या हो गया भाई ये 139 के बाद 140 हो गया 141 में आए, प्रायिकता के बारे में फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला पी बराबर कुल संभव है, बहुत मार मारेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, बहुत जल्दी है जाने का घर संख्या बटा में अनुकूल परिणामों की संख्या, जा रहे अनुकूल वाला ऊपर ना होता है यही इसको गिरा है उसी में गड़बड़ा गया, हम सॉरी बोल रहे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की
की संख्या, इसको जैसे प्रायिकता को हम पी बोलेंगे तो अनुकूल के लिए एन ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एन ई, असंभव के लिए एन एस, पी बराबर एन ई बता, यही होगी आपका 141 नंबर। 142 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, एन एस बताइए, एन एस संभव परिणाम, एन एस मतलब क्या संभव परिणाम, हेड या टेल, हेड या मतलब कुल दूगो होगा, कुल क्या वो दूगो। आइए 140 में आइए, दो सिक्का को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने या एक सिक्का को दो बार उछालने पर, या दो सिक्का उधर या एक सिक्का को दो बार उछालने पर, चलिए एन एस मतलब जो है समय परिणाम चार आया, क्या क्या, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। आइए अभी थैंक यू नहीं जाइए, अभी 143 हो गया, 143। अब आइए बहुत 143 पर थोड़ सके ध्यान चल गया, अब तीन सिक्कों को उछालने पर, तीन सिक्कों को उछालने पर, देखिए घ ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, अच्छा ऐसे लिखिएगा, ठीक है, विद्यालय में के द ऐसे लिखिएगा, तीन सिक्कों को उछालने पर जो एन एस होता है कुल परिणाम, जो समय परिणाम होता है टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, बड़ा आसान तरीका से लिखा गया। आई क्या, अब आइए एक पासा को, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर, चलिए एक पासा, इस सब कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन देखिए जानना जरूरी है इसके बारे में, तो इससे नहीं जानने का सवाल करना ना भाई, ऑब्जेक्टिव यस बोले ना, 15 से 20 नंबर आपके मुट्ठी में कैसे होगा, हटाने वाला बात नहीं कि हाँ ये कर लो वो कर लो हो गया, ऐसे नहीं, जो है सो देंगे। एक पासा को फेंकने पर जो एन एस होगा, जो संभव परिणाम, जो कुल परिणाम, छ, एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार, पांच और छ भी आ सकता है। 146, दो पासा को फेंकने पर भी नहीं हटेगा, हाँ वहां हट जाएगा। 146, दो पासा को फेंकने पर जो एन एस होगा, जो कुल परिणाम कितना होगा, 36। तो दो पासा को जब हम लोग फेंकते हैं, दो को छक्का गोटी को एक बार फेंकते हैं, तो दोनों पर या तो एक एक आ सकता, या एगो पर एक, एगो पर दो, एगो पर एक, एगो पर तीन, एगो पर एक, एगो पर चार, एक पर एक, एक पर पांच, एक पर एक, एक पर, या एगो पर दो तब एक आ सकता, दो दो आ सकता, दो तीन आ सकता, दो चार, दो पांच, दो छ, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, तीन सात, वाह गाड़ी ब्रेक नहीं ले रहा था, हो बड़ा 20 ब्रेक मारना पड़ा है, एक दिन कहे थे 20 ब्रेक है भी ना है, हाँ नहीं एक बड़ी ब्रेक आई लग गया, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छ, छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पांच, छ छ, ये कुल क्या वो है 36 गो। एगो प्रायिकता बताएगा, दोनों पास, दो पासा को एक बार फेंका गया, दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता
छह बटा छत्तीस यानी एक बटा छ। चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बताएगा, दो पासा पे आप लोग बताइए, दो पासा एक बार फेंका गया, दोनों पासा पर जो आने अंक आने अंकों का योग क्या होना चाहिए, दस होने की बराबर था, अंकों का योग दस होने की बराबर था, तीन बटा छत्तीस यानी एक बटा बारह, अंकों का योग दस, ठीक है। चलिए तासो वाला बता रहे क्या, दस तन का उदाहरण, ताश होता है सब काम नाश के, आइए तो इसमें जो एडेस यानी सर्वप्रणाम कितना होता है बावन, चार प्रकार के पत्तियां हैं, चार प्रकार के कौन कौन, चिड़िया काला पान और लाल पान और ईट का जिसको ठिकरी कहते हैं ठिकरी, भी तेरा पत्ती, भी तेरा पत्ती, भी तेरा पत्ती, भी तेरा पत्ती, भी एक का से शुरू होता है, एक का दो तीन चार पांच छह दस के बाद होता है जे जे क्यू और के, गुलाम बेगी और बादशाह बेगम बादशाह, इसी प्रकार यहू में और यहू में होता है, ठीक है। इसको तो हम दस कह सकते हैं, बारे इंसान की और सब समाचार ठीक है, ठीक है ना, ठीक है रहेगी चाहिए, छह सात आठ नौ दस जे क्यू के, जो चीज इसमें आएगा वही इसमें आएगा, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही इसमें भी आएगा और वही इसमें भी आएगा। आप सुनिए, भूख लग गया हमारा सवेरे, अभी एक घंटा क्लास चलाया भूख लग गया, सुनो देखिए, अगर कहेगा एक बार ताश के जो फेटी हुई गड्डी है इसमें, आप गड्डी में से क्या करेंगे कि एक पत्ता निकाला गया, वो एक का होने की प्रायिकता बताइए, क्या होने की, एक का वो है चार बटा बावन, अरे होता है ना संभव परिणाम अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम, तो अनुकूल हो गया चार गो, असंभव तो बारह बावन वही है ना बावन गो। अच्छा एक और बात बताने इसमें इम्पोर्टेंट, ये दोनों का रंग जो हो गया वो हो गया काला, ये दोनों का जो रंग हो गया वो हो गया लाल, लाल पाल का, अब देखिए इसमें छब्बीस को लाल होता है छब्बीस को, ठीक है लिख देते हैं काला रंग, काला होता है छब्बीस को, लाल होता है, कहा कि एक बार फेंटी हुई ताश गड्डी में से मतलब एक पत्ती अधिक छाया निकाला गया तो बताइए लाल होने की प्रायिकता, तो छब्बीस वटा बावन, काला होने की प्रायिकता छब्बीस वटा बावन, कहेगा लाल पान तो लाल पान कह वो तेरा वो, तो यही लाल पान और लाल में बच्चा कंफ्यूजन होता था, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होने का है ना, काला होने की प्रायिकता तो छब्बीस वटा बावन, काला पान तेरा बटा बावन, इक्का होने के बाद चार बटा बावन, काला इक्का, काला इक्का दूगो, तो काला है ना काला इक्का दूगो, आ कहेगा काला पान का इक्का तो एक बटा बावन, ठीक है। तो अब भाई साहब अब रहने दीजिए, अभी सब थक गया कैसे भूखों को लग गया, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप लोग इतना देर तक इतना समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है यही बात का कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमको क्या होता है मतलब एनर्जी मिलती है कि भाई बच्चा देखता है तो उसको अच्छा लगता है कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, पांच अंक स्तरीय प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Bye.